रश्मिका मंदाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सोच नहीं सकते थे कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस फेमस होने के लिए इतनी हद तक गिर सकती है। इस वीडियो में रश्मिका काफी छोटे कपड़े पहने हुए देखने पर ऐसा लग रहा है कि अपने वर्कआउट सेशन को खत्म करके कहीं जा रही है या कहीं से आ रही है। आपको हम बता दें कि यह वीडियो फेक है। इस वीडियो में रश्मिका मंदाना नहीं है, यह वीडियो AI के द्वारा एडिट किया गया है। मगर इस वीडियो में महिला का चेहरा खुबहू रश्मिका मंदाना से मिल रहा है। लोग कंफ्यूज हो गए हैं कि यह रश्मिका मंदाना ही है या फिर कोई और। अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, साथ में एक सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए। यदि आप एक यूट्यूबर है, कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। एक यूजर ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए इस वीडियो का असली शेयर किया है, तब जाकर पता चलता है कि यह वीडियो फेक है। रश्मिका मंदाना का यह वायरल वीडियो आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा। यह वीडियो जारा पटेल का एक डीपीकेक वीडियो है। लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब जारा पटेल लिप में प्रवेश करती है तो अचानक उनका चेहरा बदलकर दूसरी लड़की रश्मिका मंदाना हो जाती है। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई सबके सामने बाद में आ ही गई। फिर भी रश्मिका मंदाना इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा निराश हैं। वे नहीं चाहते थे कि फैंस उनका वीडियो इस तरह वायरल करें। रश्मिका मंदाना के हाल ही में नई मूवी एनिमल आ रही है। वे नहीं चाहती कि इस वीडियो का कोई भी प्रभाव इस मूवी पर पड़े। अमिताभ बच्चन के कार्रवाई करने पर यदि इस वीडियो के एडिटर पकड़े जाते हैं तो उनपे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साथ में ये जेल भी हो सकती है। यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड होने के मात्र 3 ही घंटे में खूब वायरल हुआ। जब लोग इस वीडियो को पहले देखे तो वह चौंक गए कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस ऐसी भी हरकत कर सकती है। AI एक ऐसी एडिटर है जो किसी वीडियो के चेहरे पर लगाकर बनाया जा सकता है। इस AI के द्वारा काफी ज्यादा क्राइम भी हो रहा है। किसी गंदे फोटो पर किसी और का चेहरा लगाकर वायरल किया जा रहा है, उससे खूब पैसे कमाई की करने का लोग जरिया बना लिए हैं। मगर जिस दिन पकड़े जाते हैं उन पर खूब कार्रवाई की जाएगी।